नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवा दुबे और आप देख रहे हैं यूट्यूबर शिवा। दोस्तों, अगर आप भी डी डी फ्री डिश को इस्तेमाल करते हैं तो आप भी चाहेंगे कि अभी जो रिसेंटली 1 मार्च का अपडेट हुआ था, 1 मार्च 2019 से आपके बहुत से जो चैनल्स हैं वो बंद हो चुके हैं, जिनमें सोनी पल, स्टार उत्सव, जी एन मॉल और भी कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो कि अब बन चुके हैं पेड और आपकी फ्री डिश से हट चुके हैं। तो क्या वो चैनल्स आपके फ्री डिश में वापस आ सकते हैं? क्या आप कोई अगर फ्रीक्वेंसी बदलेंगे उसके बाद आपके जो ये चैनल्स हैं वापस आ जाएंगे, या अपने सेटअप बॉक्स को बदल लेंगे और आपके ये जो चैनल्स जो अब हट चुके हैं, अब आपको नहीं दिखाई दे रहे, अब आप नहीं देख पा रहे हैं, क्या वो वापस आ सकते हैं और इन फ्यूचर क्या कभी ये वापस आ पाएंगे? तो इसके बारे में ये डिटेल्ड वीडियो है। मेरे बहुत से सब्सक्राइबर ने कहा कि भाई एक फ्री डिश के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाओ कि ये सब क्या हो रहा है, बहुत से हमें गलतफहमियां हैं, बहुत से हमारे सवाल हैं जिनके जवाब हमें चाहिए, तो एक कंप्लीट वीडियो बना दो और हमको सभी चीज़ें डिटेल में समझा दो कि क्या ये चैनल हम देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, हमारी जो डीडी फ्री की डिश है उसका अब क्या हमें कोई बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो भाइयों, आपके लिए मैं ये कंप्लीट वीडियो ले आया हूँ। बट अगर आप डीटीएच या केबल टीवी यूजर हैं तो आपके लिए मैंने पहले ही बहुत सी वीडियोस बना दी हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएंगे। उसके अलावा हमारे चैनल यूट्यूब पर शिवा पर मिल जाएंगे, तो आप जाकर अपनी वो वीडियोस दे सकते हैं। ये वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड है डीडी फ्री डिश वालों के लिए, तो कृपया करके मेरी भी मदद करें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों जो जो डीडी की फ्री डिश इस्तेमाल करते हैं उनको शेयर करें, ताकि उनको भी कंप्लीट जानकारी मिल सके कि अब हो क्या रहा है। तो दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब से ये अपडेट आया है कि 1 मार्च से सभी जो चैनल्स हैं बंद हो चुके हैं, अब लोग क्या कर रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह वो फ्रीक्वेंसी बदलें, सेटअप बॉक्स बदलें, जिस वजह से बहुत से घपले भी हो रहे हैं। आपको मैं असल चीज़ बताना चाहूँगा, बहुत से लोग ऐसा कह रहे हैं कि भाई ये फ्रीक्वेंसी लगा लो तो ये चैनल्स ऐड हो जाएंगे, ये वाला सेटअप बॉक्स ले लो, ये वाला सेटअप बॉक्स ले लो, अपने वाले सेटअप बॉक्स से रिप्लेस कर दो, बदल दो, तो आपके ये जो चैनल्स हैं सोनी पल, स्टार उत्सव, जी एन मॉल जो कि गायब हो चुके हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो आपको मैं सीधी सी बात ये बताना चाहूँगा कि भाई इस तरह ये जो चैनल्स हैं आपको नहीं मिलेंगे। सीधी सी बात है, वो आपको मैं अभी एग्जांपल के साथ बता दूंगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि हो क्या रहा है। ये जो चैनल्स हैं दोस्तों, ऐड कैसे होते हैं आपके, उसमें एक इनका ई ऑप्शन लगता है, शायद आप सब जो भी डीडी फ्री डिश इस्तेमाल करते हैं आप सबको पता होगा कि ये जो चैनल्स डीडी फ्री डिश में चलते हैं वो ई ऑक्शन में उनको खरीदने पड़ते हैं, उनको हक होते हैं, उसके बाद वो सब खरीदते हैं, ये जो जितने ब्रॉडकास्टर वगैरह होते हैं उसके बाद वो अपने चैनल्स वहाँ पर दिखाते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह आती हैं, बहुत से कमाते हैं, कमाने के बहुत से ढंग होते हैं, तो इस तरीके से वो कमाते हैं। आपको एक बार सिर्फ डी डी फ्री डिश लेनी होती है, छतरी लगवाओ, सेटअप बॉक्स लगवाओ, उसके बाद कोई पैसा नहीं देना होता, फ्री के चैनल्स आपको दिखते हैं। बट हो क्या रहा है कि ये जो कुछ चैनल्स थे जो कि आपको पता प्राइवेट कंपनीज के हैं, जैसे कि यह जी एन मॉल हो गया, जी एंटरटेनमेंट का है, सोनी पल हो गया, ये सोनी एंटरटेनमेंट का है, स्टार उत्सव हो गया, तो ये जो चैनल हैं ये स्टार की कैटेगरी का है, यानी प्राइवेट कंपनीज का है। तो पहले ये फ्री थे, आपको फ्री में मिल जा रहे थे, इनको अब थोड़ा बहुत पेड बना दिया गया है, थोड़े बहुत 10 पैसे 20 पैसे कुछ भी इनका प्राइस रख दिया गया है, जिस वजह से ये फ्री नहीं रहे और वो नहीं चाहते कि अब यहाँ पर वो दिखाएं, तो उन्होंने अपने हक वापस ले लिए। तो अब ये जो डीडी फ्री डिश में है वो आप चाहे कोई भी सेटअप बॉक्स नया ले लें, बदल लें, बहुत सी ऐसी बातें मैं सुन रहा हूँ कि, और मैंने वीडियोस भी देखी, बहुत से ऐसे बता रहे हैं कि ये वाला सेटअप बॉक्स ले लो तो आपके चैनल चल जाएंगे, नहीं चलेंगे, सीधी सी बात नहीं चलेंगे। फ्रीक्वेंसी आप चेंज करेंगे, फ्रीक्वेंसी जितनी मर्जी आप चेंज कर लें नहीं चलेंगे, क्यों? आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए पीछे से जो बिजली है, जहाँ से बिजली की सप्लाई होती है वहाँ से बिजली बंद कर दी गई है, अब आपके घर में एसी भी है, कूलर भी है, पंखा भी है, टीवी भी है, अब चाहे आप टीवी चलाएं नहीं चलेगी, पीछे से बिजली नहीं आ रही, अब आप चाहें फ्रिज चला लें, फ्रिज का आप स्विच ऑन कर दें नहीं चलेगा क्योंकि पीछे से बिजली नहीं आ रही, चाहे आप एसी चला लें, चाहे आप कूलर चला लें, यहाँ कुछ भी आप बदलते रहें, कितनी भी छेड़खानी करते रहें, उनमें तारे काट दें, तारे निकाल दें, कुछ भी नहीं होने वाला। ये चीज़ है, जब पीछे से आपके जो सैटेलाइट से ही चैनल नहीं आ रहे, सोनी पल हो गया, जी एन मॉल हो गया, स्टार सब जो वहाँ पीछे से ही नहीं आ रहे, तो आप कोई भी छेड़खानी कर लें फ्रीक्वेंसी से, सेटअप बॉक्स से, छतरी से, कितना भी घुमा लें, वो चैनल्स आप नहीं देख पाएंगे। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। अगर कोई ट्रिक होती है तो वो जो ट्रिक्स होती हैं वो कंपनी वालों को भी पता चल जाती हैं। अगर आप देखना ही चाहते हैं ये सब चैनल्स, तो या तो आप मोबाइल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू देख पाएंगे,
जो कि आपको पता है कि जिनके पास हाई स्पीड इंटरनेट है वो देख पाते हैं अच्छे से। अगर आप देखना चाहते हैं या तो आपको अब पेड, आपको पता है जैसे कि अब डीटीएच कनेक्शंस हैं पेड वाले, टाटा स्काई, एयरटेल, उसके अलावा डिश टीवी, वीडियोकॉन, तो आपको उनका कनेक्शन लेना पड़ेगा अगर आप ये सब चैनल्स को देखना चाहते हैं। बट एक चीज का इंतजार करें, जल्दबाजी मत करें, हो सकता है कि आने वाले समय में ये जो चैनल्स हैं दोबारा एक बार फ्री कर दिए जाएं, परमानेंट फ्री कर दिए जाएं, और फिर आपको दोबारा ये आपकी डिश जो फ्री वाली डिश है, फ्री डीडी की फ्री डिश, उसमें देखने को मिल जाएं। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जल्दबाजी में आप कोई भी डीटीएच कनेक्शन या केबल टीवी लगवा लें, थोड़ा इंतजार करें, हो सकता है कि आने वाले समय में ये, क्योंकि इनको आपको पता है एडवर्टीजमेंट से ही पैसा मिलता है, असल जो इनका मेन अर्निंग का सोर्स होता है वो एडवर्टीजमेंट्स होती है, तो जब आपकी फ्री डिश में ये सब एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं तो भी इनको पैसा तो मिलता ही मिलता है, और इनको ये भी पता चलता है कितने लोग इनको देख रहे हैं। आप ऐसा मत सोचिएगा कि हम तो भाई कौन सा चैनल देखते हैं, इनको क्या पता, सब पता चलता है। आप जब अपने फ्री डिश में भी कोई भी चैनल देखते हैं, इनके पास जो खबर है पहुंचती रहती है कि कितने लोग कौन सा चैनल कितने समय देखते हैं, उसके हिसाब से इनकी रेटिंग्स बढ़ती है, उसी के हिसाब से इनको एडवर्टीजमेंट्स के पैसे मिलते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो ये चैनल्स हैं हो सकता है फिर से वापस आ जाएं, बट कोई और तरीका अभी तो ऐसा नहीं है कि अगर आप कुछ ऐसे चेंजेस करेंगे जैसे मैंने आपको बताया कि आपके जो ये चैनल्स वापस आ जाएंगे। तो बहुत से मेरे सब्सक्राइबर्स कह रहे थे भाई हमें एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए, एग्जाम्पल के साथ में चाहिए, तो मैंने आपको पूरे पूरे एग्जाम्पल के साथ में बता दी है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके समझ में आई होगी, थोड़ी सी भी पसंद आई है लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूबर शो को ऐसी वीडियोस फ्यूचर में देखने के लिए, और इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे पता है आप सब जितने भी लोग डीडी फ्री डिश देखते हो, आपके बहुत से दोस्त होंगे, आपके फैमिली मेंबर्स और रिश्तेदार, जिनको ये जो वीडियो मैंने बनाई है ये देखने की जरूरत है, ताकि वो परेशान ना हो ये ढूंढते हुए कि ये चैनल्स कैसे चलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करेंगे, यूट्यूबर शो का सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस कर देंगे, ताकि इस तक वीडियो आप फ्यूचर में देख पाएं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।